जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में रीतिकाल से संबंधित। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की, तो यहाँ पर रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए, आ जाइए सभी लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार, पंक्ति किसकी मानी जाती है, पंक्ति बताना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए। देवकवि की पंक्ति है, रसलीन की पंक्ति है, मतीराम जी की पंक्ति है या फिर सेनापति जी की पंक्ति है, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्या होगा इसका सही राइट आंसर। तो अम्ये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा ममता जी, राखी जी, मलकित जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, बी राइट आंसर होगा रसलीन। आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, जिन्होंने भी चयन किया है बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पूछा है, रीति मुक्त सिंगारी कवि है कौन, रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है, बताना है, नहीं कौन है तो बताइए। चार विकल्प दिए गए हैं संदीप जी, क्या होगा राइट आंसर। रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है, सेनापति, द्वजदेव, आलम, ठाकुर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहां पर 1 राइट आंसर होगा, यानी कि सेनापति। सेनापति आप सभी का यहां पर विकल्प नंबर 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर आपसे 3 पूछा गया है, कृपा राम द्वारा रचित नायिका वेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मानी जाती है, बताइए। हित तरंगणी, सुरुति या फिर उज्ज्वल नीलमणि या फिर कर्णामरण। क्वेश्चन नंबर 3 का सही राइट आंसर चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं सरबजोत जी, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कृपा राम द्वारा रचित नायिका वेद की सबसे पुरानी पुस्तक आपसे पूछा है यहाँ पर 3 में, और राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा, यानी कि हित तरंगणी। हित तरंगणी राइट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है विकल्प नंबर 1, जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम क्या है, ये आपके लिए यहाँ पर सही कालक्रम बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में, चयन कीजिए राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 4 विकल्प है, बहुत बढ़िया। अगला तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, कवियों का सही कालक्रम बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर भी राइट आंसर होगा, केशवदास, बिहारी, चिंतामणि और पद्माकर, ये जो है विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 5 की, प्रताप शाही की रचना नहीं है, कौन सी प्रताप शाही की रचना नहीं है, काव्य विलास, व्यंगार्थ कौमुदी या फिर नवरस, नवरंग तरंग या फिर श्रृंगार मंजरी, कौन सी रचना आपके लिए बताना प्रताप शाही की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर 5 में, सी राइट आंसर होगा, नवरंग तरंग सही राइट आंसर है, ये रचना प्रताप शाही की नहीं मानी जाती है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, नीतू जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपसे 6, पद्माकर ने कौन सी काव्य कृति कुष्ठ रोग निवारणार्थ लिखा है, लिखा था, बताइए वह कौन सी काव्य कृति है, वह आपके लिए चयन करना है। जगत विनोद है, हिम्मत बहादुर ब्रोदावली है, गंगा लहरी है या फिर प्रबोध पंचासी का है। तो पद्माकर ने कौन सी काव्य कृति कुष्ठ रोग निवारण हेतु लिखी थी, वह कृति आपके लिए बताना है कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 6 में, विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और वह काव्य कृति मानी जाती है कौन सी, तो 6 का विकल्प नंबर आप सभी का सी राइट आंसर होगा, गंगा लहरी।
गंगा लहरी राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, गंगा लहरी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सात यहां पर क्या दिया गया है देख लेते हैं कि छत्रप्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए छत्रप्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार बताना है। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, सुवदन कवि हैं, लाल कवि हैं, भूषण कवि हैं या फिर पद्माकर हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, छत्रप्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं, सत्येंद्र जी क्या होगा राइट आंसर। चार विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर सात आपसे पूछा गया है और सात का सही राइट आंसर होगा कि छत्रप्रकाश प्रबंध काव्य माना जाता है जिसके रचनाकार माने जाते हैं लाल कवि, यानी कि विकल्प नंबर बी यहां पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है, लाल कवि जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन है ये आपको बताना है, रीतिकाल के पूछा है क्वेश्चन नंबर आठ में, बताइए ठाकुर हैं, पद्माकर हैं या फिर रसलीन हैं या फिर सुदन कवि हैं। क्वेश्चन नंबर आठ का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि बताना है तो आठवें विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि पद्माकर यहां पर सही राइट आंसर है, पद्माकर जिन्होंने विकल्प नंबर बी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, सभी लोगों का यहां पर सही राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नौ पूछा गया है, चिंतामणि के भाई नहीं है कौन नहीं है ये बताना है, मतीराम, देव, भूषण या फिर जटा। क्वेश्चन नंबर नौ का राइट आंसर चयन कीजिए, यहां पर बताना है कि चिंतामणि के भाई नहीं है कौन नहीं है ये पूछा गया है। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ और सही राइट आंसर होगा देव, देव जो है ये चिंतामणि के भाई नहीं माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है, विकल्प नंबर बी यहां पर सही राइट आंसर होगा, देव राइट आंसर है, गूगल बाबा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन रीतिकालीन कवि वीर रस के लिए प्रसिद्ध है, वह रीतिकालीन कवि बताना है, चिंतामणि है, भूषण है, मतिनाम है या फिर देव कवि है। वीर रस के लिए प्रसिद्ध है ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और सही राइट आंसर है, वह रीतिकालीन कवि कौन है जो वीर रस के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि दसवें विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा दें, बी यानी कि भूषण कवि, भूषण कवि आप सभी का सही राइट आंसर होगा, भूषण जिन्होंने चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर 11 पूछा गया है, रीतिकाल का अंतिम शास्त्र कवि बताना है कौन माने जाते हैं, पद्माकर है, रसलीन है, ग्वाल कवि है या फिर मतीराम है, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सुनीता जी, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर चयन करना है, रीतिकाल का अंतिम शास्त्र कवि कौन माना जाता है, तो 11 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, एक सही राइट आंसर है यानी कि पद्माकर, पद्माकर यहां पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, पद्माकर सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर पूछा गया है आपका 12वां क्वेश्चन है कि आगे के सुकवि रींझ है तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये पंक्ति आपके लिए बताना है किनकी पंक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 में हीना जी क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए लवली जी बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का राइट आंसर है चिंतामणि, मतीनाम, घनानंद या फिर भिखारी दास, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति मानी जाती है और 12 का सही राइट आंसर आ रहा है कि पंक्ति मानी जाती है किनकी, भिखारी दास जी की, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर आप सभी का यहां पर होगा, भिखारी दास राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, जिन्होंने भी चयन किया है बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है काव्य प्रकाश किसने लिखा है, एक ग्रंथ आपके लिए बताना है, काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए चिंतामणि है, पद्माकर है या फिर भूषण कवि है या फिर मतीराम है।
13 का सही राइट आंसर चयन करना है। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। सोनू जी बिल्कुल बताइए, 13वां क्वेश्चन है और विकल्प नंबर 1 राइट आंसर आ रहा है कि काव्य प्रकाश के रचनाकार तो कौन माने जाते हैं, चिंतामणि माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर 1 चयन किया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपसे, 14वां क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कवि कौन है जिसने सबसे पहले शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना की है। वह आपके लिए बताना है रीतिकाल के वह कौन से कवि हैं। चयन कीजिएगा, चिंतामणि है, केशवदास है, केशव है, मतिराम है या फिर भूषण है। क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का सही राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, रीतिकाल का वह कौन कवि है जिसने सबसे पहले शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना की है। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा 14 में विकल्प नंबर क्या होगा, राइट आंसर बताइए। तो 14 का सही राइट आंसर होगा आप सभी का यहां पर विकल्प नंबर केशव, केशव राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी यहां पर सही राइट आंसर है, केशव सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी, पंक्ति ये आपके लिए बताना है किसकी पंक्ति मानी जाती है। बताइए चिंतामणि, मतिराम, पद्माकर या फिर भिकारी। क्वेश्चन नंबर 15 का सही राइट आंसर चयन करना है, 15 में सही राइट आंसर क्या होगा, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी। ये पंक्ति पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आपसे यहाँ पर पूछी गई है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि 15 का ये पंक्ति मानी जाती है पद्माकर जी की। किन की पंक्ति मानी जाती है, पद्माकर रजनी जी, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है पद्माकर, उनका सही राइट आंसर है यहाँ पर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, अम्ये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जहि चितवत एक बार, पंक्ति किस कवि के किस ग्रंथ से ली गई है। ये पंक्ति आपको बताना है, बताइए क्या होगा राइट आंसर, देव कवि के भाविलास से, बिहारी के बिहारी सस्सई से, बोधा के इश्कनामा से, रसलीन के अंग दर्पण से। क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 16 का विकल्प नंबर यहां पर क्या है राइट आंसर, बिल्कुल सही राइट आंसर है कि रसलीन के अंग दर्पण से ये पंक्ति ली गई है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपसे 17, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, करत दिखाए कामिनी दई दामिनी को वह दामिनी को एह वाही, थर थराती सोतन फिरे और फर फराती घनमाही, पंक्ति किसकी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है घनानंद या फिर आलम या बोधा या रसलीन। 17 में ये पंक्ति चयन करना है, किनकी पंक्ति मानी जाती है, सरबजोत जी बताइए क्या होगा राइट आंसर, सरिता जी, प्रीतिपाल जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और ये 17 में जो पंक्ति दी गई है ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा यानी कि रसलीन जी की ये पंक्ति मानी जाती है, रसलीन जिन्होंने चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 18, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुरेबे मैं नेकू जेना मुरके, पंक्ति किसकी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर चयन कीजिए, ठाकुर की, बोधा, आलम या फिर घनानंद। तो 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 18 का सही राइट आंसर है सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, ये पंक्ति किन की मानी जाती है, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 18 में विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, ठाकुर की ये पंक्ति मानी जाती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही राइट आंसर होगा।
विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 पूछा गया है, दाता कहें सूर कहें सूर कहां, सुंदर सुजान कहां, आपको ना चाहे ताके बाप को ना चाहिए, पंक्ति किसकी मानी जाती है, ये क्वेश्चन नंबर 19 में आपको चयन करना है, बताइए क्या होगा 19 का राइट आंसर। आलम जी की पंक्ति है, घनानंद बोधा या फिर दुजदेव। दाता कहां सूर कहां सुंदर सुजान कहां, आपको ना चाहे ताके बाप को ना चाहिए, पंक्ति किसकी मानी जाती है, और आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 में ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि बोधा कवि की ये पंक्ति मानी जाती है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, ए प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 में चयन करना है राइट आंसर, प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है, ये पंक्ति ठाकुर की है, बोधा कवि की है, आलम जी की ये पंक्ति मानी जाती है या फिर घनानंद। चार विकल्प आपके दिए गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कि ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, ये पंक्ति बोधा कवि की मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा बोधा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 पूछा गया है, रीति काव्य धारा का अंतिम कवि कौन है बताइए, आलम है, घनानंद है, बोधा है या फिर दुजदेव है। रंजना यादव जी क्या होगा राइट आंसर, रोज अपनी ये चार जो है क्लास होती है 9 बजे सुबह और एक रात्रि में 10 बजे इसी चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है रीतिमुक्त काव्यधारा का अंतिम कवि कौन है, तो 21 का राइट आंसर होगा आप सभी का विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, तो 21 का आप सभी का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है ध्वजदेव जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी यहां पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन नीतिकार नहीं है, नीतिकार नहीं बताना है, रहीमदास, गिरधर कविराय, दीन दयाल गिरी या फिर गिरिधर दास। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर चयन कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन नीतिकार नहीं है, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा 22 में विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, तो कुशल किशोर जी राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है गिरधर दास, गिरधर दास आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 में, यहां पर डी जो है सही राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपसे 23, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं बताइए, घनानंद जी की जो कृतियां हैं किस भाषा में है, अवधि में है, खड़ी बोली में है, ब्रजभाषा में है या फिर मैथिली में है, एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर बताइए, घनानंद की कृतियां किस भाषा में है, 23 का राइट आंसर है विकल्प नंबर यहां पर सी यानी कि ब्रज भाषा में, किस भाषा में है, ब्रज भाषा, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर सी जिन्होंने भी चयन किया है राइट आंसर होगा। अब आपके लिए बताने की निम्नलिखित में से कौन सत्य है, सत्य बताना है यहाँ पर आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर या फिर घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर या फिर आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा या फिर अगला विकल्प है बोधा, ठाकुर, घनानंद, आलम। चार विकल्प दिए गए हैं और 24 का सही राइट आंसर चयन करना है, इनमें से कौन सत्य है, सत्य बताना है 24 में, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, एक सही राइट आंसर होगा आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, ये वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भूषण का पहला सॉरी हिंदी का पहला बताना, हिंदी का पहला राष्ट्रकवि कौन है बताइए, हिंदी का पहला राष्ट्रकवि बताना है, भूषण है, देव है, पद्माकर है या फिर मतीराम है। क्वेश्चन नंबर यहां पर पूछा गया है 25 और 25 का सही राइट आंसर चयन करना है,
चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। हिंदी का पहला राष्ट्र कवि पूछा है तो वह माने जाते हैं कौन, विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर होगा यानी कि भूषण कवि। भूषण आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और भूषण जिन्होंने भी चयन किया है राइट आंसर होगा। घनानंद को शुक्ल जी ने कहा है, क्या कहा है, रसोन्मत, प्रेम की पीर या फिर लाक्षणिक कवि या फिर कोई नहीं, बताइए। अनिल जी भी आ गए हैं, क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताना है। घनानंद को शुक्ल जी ने कहा है, क्या कहा है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 में विकल्प नंबर आप सभी का यहां पर भी राइट आंसर होगा प्रेम की पीर। और ये भी पूछा जाता है प्रेम की पीर के नाम से कौन जाना जाता है, तो घनानंद, और किन्होंने कहा है प्रेम की पीर, तो शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, किसकी रचना हमीर हट है, बताइए, ध्वजदेव, चंद्रशेखर वाजपेयी, आलम या फिर बोधा, ये चार विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर, किसकी रचना हमीर हट है, तो आप सभी का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 में विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा 27वां क्वेश्चन है और 27 में विकल्प नंबर हमीरहट पूछा गया है और ये रचना मानी जाती है, किनकी मानी जाती है, बताइए जल्दी से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर होगा चंद्रशेखर वाजपेयी, यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 28 पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय कब से कब तक माना है, ये आपके लिए चयन करना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में चयन करना है सही राइट आंसर, तो रीति काल का समय जो है आचार्य शुक्ल जी ने कब से कब तक माना है, ये आपसे पूछा गया है, विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन 28 का सही आंसर होगा कि संबत कब से कब तक माना है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही राइट आंसर है, संबत 1700 से 1900 तक, संबत 1700 से 1900 तक जो है समय माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में बताने रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ये चार विकल्प दिए गए हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल किन्होंने कहा है, ये चयन करना है, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, अनिल जी उस क्वेश्चन को अभी देख लेंगे अपन आखिरी में, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है, तो श्रृंगार काल कहा है किन्होंने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह सही राइट आंसर होगा, डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपसे 30वां क्वेश्चन है, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है, बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, रीति काल को अलंकृत काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, मिश्र बंधु ने कहा है या फिर यहाँ पर रामकुमार वर्मा ने कहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 30 में विकल्प नंबर रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर आ रहा है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सी जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, क्वेश्चन नंबर 31 में बताना है, केशवदास को, चिंतामणि को, बिहारी को या फिर मतीराम को, क्वेश्चन नंबर 31 का सही राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर चयन कीजिए। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तो सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर है यहाँ पर, केशव दास यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, केशव दास जिन्होंने चयन किया है प्रेम कोरी जी, विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा गया है यहाँ पर कि रीति सभासा कवित्त की वर्णन बुद्ध अनुसार, ये आपको बताना है, पंक्ति जो दी गई है किनकी पंक्ति मानी जाती है, बताइए,
क्वेश्चन नंबर 32 में बताना है केशवदास, चिंतामणि, देव कवि या फिर मतीराम जी की पंक्ति है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। कल्पना जी क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताना है, रीति सुभाषा कवित्त की वर्णन बुद्ध अनुसार ये पंक्ति मानी जाती है, किनकी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 32 में भी राइट आंसर होगा, यानी कि चिंतामणि राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 33वां क्वेश्चन है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 33 का राइट आंसर चयन कीजिए, चिंतामणि का जन्म स्थान बताना है क्या माना जाता है, बताइए। चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है बसुआ, गोविंदपुर या फिर यहाँ पर तिकवापुर या फिर बनपुर या सागर, इनमें से आपको चयन करना है। चिंतामणि जी का जो जन्म स्थान है वह क्या माना जाता है, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर सत्येंद्र जी, अनिल जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक अवश्य करते जाइए सभी लोग, और यहाँ पर आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यहाँ पर सही आंसर होगा तिकवापुर, सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देव कवि का जन्म स्थान बताना है क्या माना जाता है, एटा, मैनपुरी, इटावा या फिर वृंदावन, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है और 34 का सही राइट आंसर बताना है क्या होगा, और आप सभी का सही राइट आंसर है, हाँ लवली जी बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा देव कवि का जो जन्म स्थान है वह माना जाता है, क्या माना जाता है, इटावा, सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यहाँ पर सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि रीतिकालीन कवि सोमनाथ का वास्तविक नाम क्या है, बताइए इनका वास्तविक नाम बताना है क्या माना जाता है, शशिनाथ या शशि कुमार, पृथ्वी सह या फिर मानस है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 का सही राइट आंसर चयन कीजिए क्या होगा सही राइट आंसर। रीतिकालीन कवि माने जाते हैं सोमनाथ, और इनका वास्तविक नाम क्या है ये पूछा गया है, तो विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर होगा, यानी कि शशिनाथ यहाँ पर सही आंसर है, शशिनाथ जिन्होंने चयन किया है विकल्प नंबर एक उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 पूछा गया कि मतीराम किसके आश्रय में रहते थे, मतीराम बताना है किसके आश्रय में रहते थे, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के या फिर रुद्र शाह के, 36वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रीतिपाल जी, सरिता जी, क्या होगा राइट आंसर, सुनीता जी बताइए, मतीराम बताना है ये किसके आश्रय में रहते थे, तो विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, जहांगीर यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही राइट आंसर होगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 पूछा गया है कि जसवंत सिंह का भाषा भूषण किस विषय से संबंधित है, ये बताना है किस विषय से संबंधित ये ग्रंथ माना जाता है भाषा भूषण, जिसकी रचनाकार जसवंत सिंह माने जाते हैं, ये नायिका भेद या फिर अलंकार या फिर छंद निरूपण या रस विषयक, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ए, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि जसवंत सिंह का भाषा भूषण किस विषय से संबंधित ग्रंथ माना जाता है, तो 37 में विकल्प नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर होगा अलंकार, अलंकार बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ललित ललाम किसकी रचना मानी जाती है, सरल क्वेश्चन है और क्या होगा राइट आंसर बताइए, ललित ललाम बताना है मतीराम जी की रचना है या फिर देव कवि की रचना है या चिंतामणि जी की रचना है या फिर सोमनाथ जी की रचना है, चयन कीजिए क्या होगा राइट आंसर, रंजना सिंह जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर बताना है, और जो ललित ललाम है ये रचना मानी जाती है किनकी, विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर होगा मतीराम जी की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन है, केशव को अलंकारवादी आचार्य किसने माना है ये बताना है बताइए, क्वेश्चन नंबर
39 में चयन करना है। सही राइट आंसर इन दो विकल्प में से ही चयन कीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। क्या होगा सही आंसर? केशव को अलंकारवादी आचार्य किसने माना है, ये पूछा गया है आपसे 39 में, और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो एक है वह राइट आंसर होगा, ये माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या दिया गया है देखते हैं, 40वां क्वेश्चन पूछा गया है, कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य किसने लिखा है बताइए। कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य जो है ये किसने लिखा है, मतीराम ने या फिर पद्माकर ने या चिंतामणि ने या फिर कुलपति मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताना है अरुण जी, क्या होगा सही राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य माना जाता है और इसके रचयिता कौन माने जाते हैं, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा चिंतामणि, विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है, चिंतामणि जी का माना जाता है प्रबंध काव्य कृष्ण चरित्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या पूछा गया है, कवि कुल कल्पतरु किसने लिखा है, यहाँ पर कवि कुल लिखा है तो बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का सही राइट आंसर क्या होगा, चिंतामणि ने, विकारी दास ने या फिर सेनापति ने या मतीराम ने। तो आप सभी का सही राइट आंसर है, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, विकल्प नंबर एक यहां पर सही राइट आंसर होगा यानी कि चिंतामणि, चिंतामणि जी का यह ग्रंथ माना जाता है कवि कुल कल्पतरु। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 42 पूछा गया है, बिहारी सत्सई पर किस कवि ने सवैया लिखकर ख्याति अर्जित की है, वह कवि बताना है कौन से वह कवि हैं, कौन से कवि हैं, ब्रंद कवि हैं या फिर कृष्ण कवि हैं या फिर गुमान मिश्र हैं या रसलीन हैं। ये चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है। बिहारी सत्सई पर किस कवि ने सवैया लिखकर ख्याति अर्जित की है, तो 42 का सभी लोग विकल्प नंबर बी बता रहे हैं यानी कि कृष्ण कवि। तो कृष्ण कवि आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 43 पूछा गया, सिंगार लतिका सौरभ किस कवि द्वारा लिखा गया पद्ममय रचना मानी जाती है, ये किस कवि की, सेनापति की या फिर ब्रंद कवि की रचना है या द्वजदेव या बोधा। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 का सही राइट आंसर होगा, राखी जी मुकनद जी विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर बताइए, सिंगार लतिका सौरभ किस कवि द्वारा लिखा गया ये पद्ममय रचना मानी जाती है, तो विकल्प नंबर यहाँ पर डी जो है राइट आंसर होगा 43 का, द्वजदेव। ध्वजदेव आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, ध्वजदेव जिन्होंने चयन किया है डी उनका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 44 पूछा है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है, रीतिकाल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा पर कहीं जम ना सका बताइए, वह कौन से कवि है रीतिकाल के, केशव है या फिर चिंतामणि है, मतीराम है या फिर देव कवि है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा पर कहीं जम नहीं सका, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 44 में भी राइट आंसर होगा यानी कि चिंतामणि, चिंतामणि सही राइट आंसर, विकल्प नंबर भी जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 पूछा गया है कि वह कौन रीतिकालीन कवि हिंदी साहित्य में 50 शैली का प्रवर्तक माना जाता है बताइए, कौन माना जाता है, चयन कीजिएगा, चार विकल्प दिए गए हैं, संदीप जी बताइए वह कौन सा रीतिकालीन कवि है जो हिंदी साहित्य में 50 शैली का प्रवर्तक माना जाता है, चिंतामणि है, केशव दास है, पद्माकर है या फिर देव कवि है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, सी यानी कि सत्येंद्र जी पद्माकर।
बिल्कुल सही राइट आंसर है, पचासा शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? पद्माकर, रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, जिन्होंने भी चयन किया सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी? ये आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 46 में, बताइए पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि किसने प्रदान की थी? रघुनाथ राव ने, या फिर गोसाई अनूप गिरी ने, या फिर प्रताप सिंह ने, या फिर दौलत राव सिंधिया ने? क्वेश्चन नंबर 40 का सही राइट आंसर चयन कीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी, राइट आंसर होगा 40 में विकल्प नंबर सी यानी कि प्रताप सिंह ने, प्रताप सिंह सही राइट आंसर होगा, प्रताप सिंह राइट आंसर है। लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है, शिरोमणि कवि शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी पद्माकर जी को प्रताप सिंह ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 47, छंदों का अजायब घर है, कौन सी रचना मानी जाती है? छंदों का अजायब घर कृष्ण चरित है, रामचंद्रिका है, गंगा लहरी है, या फिर बिहारी सतसई है? 47वां क्वेश्चन है और सही राइट आंसर होगा 47 का, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर होगा, यानी कि छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को, रामचंद्रिका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भवानी विलास कृति किनकी मानी जाती है? बताइए भूषण कवि की रचना है, या फिर देव कवि केशव दास, या फिर चिंतामणि? क्वेश्चन नंबर 48 में सही राइट आंसर चयन करना है, भवानी विलास कृति किनकी मानी जाती है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 में, चार विकल्प हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और ये मानी जाती है कृति किनकी? देव की, देव कवि की कृति मानी जाती है, कौन सी? भवानी विलास, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पूछा गया 49, छल नामक संचारी भाव देव ने किस कृति में वर्णित किया है? वैकृति आपके लिए बताना है, कौन सी वैकृति है? शब्द रसायन है, भाव विलास है, या फिर भवानी विलास है, या फिर अष्टयाम है? क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 का सही राइट आंसर होगा छल नामक संचारी भाव देव ने किस कृति में वर्णित किया है? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर होगा, यानी कि भाव विलास में, भाव विलास आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है, केशव की प्रशस्ति परक रचना कौन सी है? बताइए क्वेश्चन नंबर 50 में बताना, वीर सिंह देवचरित, या फिर रतन बाबनी, जहांगीर जसचंद्रिका, या फिर सभी? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर अमित जी क्या होगा सही राइट आंसर? केशव की प्रशस्ति परक रचना बताना है यहाँ पर और सही राइट आंसर है 50 में विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, यानी कि सभी जो है राइट आंसर होगा, वीर सिंह देवचरित भी, रतन बाबनी भी और जहांगीर जसचंद्रिका, ये जो है केशव की प्रशस्ति परक रचनाएं मानी जाती हैं, सभी राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। प्रेमचंद्रिका किसने लिखा है ये रचना आपको बताना है, किसने लिखी है? देव कवि ने, केशव ने, या फिर मतीराम ने, या फिर भूषण कवि ने? बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का सही राइट आंसर बताना है सुनीता खालसा जी क्या होगा राइट आंसर? तो प्रेमचंद्रिका किसने लिखी है रचना? तो सही राइट आंसर है आप सभी का 51वें, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया, विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा, प्रेमचंद्रिका देव कवि की रचना मानी जाती है, विकल्प नंबर ए जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? रामचंद्रिका में पूछा है बताइए, रामचंद्रिका में 35 प्रकाश हैं, 37, 39, या फिर 59? 52 का सही राइट आंसर चयन करना है और 52 में आप सभी का सही राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर कि रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? तो सही राइट आंसर आ रहा है आप लोगों का विकल्प नंबर ए, तो सभी को बनना चाहिए, बताइए सरल क्वेश्चन है हीना जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है,
कि विकल्प नंबर जो सी है वह राइट आंसर होगा, यानी कि 39 राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है जो रामचंद्रिका में है। कुल कितने प्रकाश ये पूछा गया है, तो 39 प्रकाश इस रचना में है। विकल्प नंबर सी प्रिया वर्मा जी राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की क्लास में अपने हिंदी साहित्य के। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज अपनी एक क्लास होती है, सुबह 9 बजे अपनी क्लास होती है इसी चैनल पर, तो सभी लोग जुड़ा करें। और एक रात्रि में 10 बजे भी आपकी क्लास होती है इसी चैनल पर, तो उस क्लास से भी सभी लोग जुड़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सभी लोग कर लेंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अनिल जी और लवली जी, ममता जी, मायराम जी, सुनीता जी, गूगल बाबा जी और कुशल किशोर जी, संदीप जी, सरिता सरोज जी, प्रिया जी, अमित सिंह जी, सुनीता खालसा जी, संदीप जी, सत्येंद्र जी, अरुण जी और मयंक वर्मा जी, ममता मेहता जी, हीना जी, प्रीति पाल जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राखी चौहान जी, अरुण जी, मकनाथ जी, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। रंजना जी, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मायराम जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।